बाइक सवार युवकों को ट्रक ने टक्कर मार दी। मौके पर ही एक की मौत हो गई, अन्य घायल हो गए। उनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। दुर्घटना रात 9 बजे के लगभग चौसा बक्सर मुख्य मार्ग पर सदर अस्पताल के समीप हुई। सूत्रों ने बताया कि रात के लगभग 9 बजे थे, बक्सर की तरफ से तीन युवक बाजार से सामान खरीदकर लौट रहे थे, तभी चौसा से बक्सर की तरफ आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। घायलों को स्थानीय लोग पास के स्थित सदर अस्पताल ले गए, जहां आदर्श कुमार 22 वर्ष पुत्र शिवजी चौधरी को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। युवक मलहचकिया सेंट्रल जेल थाना बक्सर मुफस्सिल का निवासी था। हालांकि दुर्घटना नगर थाना के सीमा में हुई है। अन्य दो घायलों में हर्षित व कृष्ण शामिल है। इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है, उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया गया है, लेकिन हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। दुर्घटना के बाद आक्रोशित लोग कुछ देर के लिए सड़क पर आ गए। हालांकि हंगामा खड़ा नहीं हुआ, विवाद जल्द ही सलट गया, लेकिन रात 9 बजे कीर्तपुरा से जो ट्रकों का कारवां छूटता है तो उनकी कतार के सामने कोई खड़ा नहीं होता। अस्पताल के समीप जितना दोनों तरफ से अतिक्रमण किया गया है, कभी भी वहां बड़ी घटना दुर्घटना हो सकती है। नो एंट्री के बावजूद ट्रकों का आवागमन कैसे हो रहा था, यह प्रशासन की तरफ लापरवाही का इशारा कर रहा है। जिला परिषद प्रतिनिधि परिजनों के हाल लेने पहुंचे, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सिटी न्यूज से गुड्डू आजाद की एक रिपोर्ट बक्सर से। इतना बड़ा हादसा हुआ है अभी छठ के दौरान, छठ के बाजार करके लोग लौट रहे थे जिससे पता चला है, और नो एंट्री में बड़ी गाड़ियों का आवागमन, मतलब इस पे दोषी कौन है? ये कपुनीय क्षति है इस परिवार के लिए, मतलब इस खत माहौल में इतने बड़ी दुर्घटना परिवार को झेलना पड़ रहा है। और मुझे रात को करीब 10 बजे मैं घर लौटा छठ घाट से, तो मुझे पता चला, उनसे मुलाकात भी मेरे रास्ते में हुई, पोस्टमार्टम के लिए लोग जा रहे थे, तो पता चला कि 8 बजे के मतलब पहले ही दुर्घटना हो चुकी थी। तो 8 बजे के पहले ही यातायात बहाल कैसे हो गया बड़ी गाड़ियों का, इस पर प्रशासन को जांच का विषय, ये जांच का विषय है, इस पर जांच कर जो भी पदाधिकारी है जिसके चलते ये गलती हुई है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न की जाए। इस घटना के बारे में कब जानकारी मिली आपको? 8:30 बजे। ये लोग कहाँ गए थे और कहाँ से लौट रहे थे? घर से जा रहे थे लोग बक्सर, अब घर से बक्सर जा रहे थे लोग, ब्रह्म स्थान के पास ट्रक धक्का मारती है। ट्रक चालक पकड़ा गया है या फिर भाग गया? 8 बजे की घटना है। 8 बजे की घटना है तो हम लोग को 8:30 बजे पता चला। जिनका देहांत हुआ एक्सीडेंट में, उनसे क्या रिश्ता है आपका? वो हमारा भतीजा है। क्या नाम था? आदर्श कुमार। तो शादीशुदा? नहीं, शादीशुदा नहीं है, अभी पढ़ता था इंजीनियरिंग। कितना उम्र उनकी? 22-23। उनके पिता का क्या नाम? शिवजी चौधरी।